रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नजफ़ की रेसिपी। और नजफ़ की रेसिपी में आज हम बनाने लगे हैं सुहांजना। और सुहांजना बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उनमें ये 1 किलो सुहांजना है। इसे मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से बॉईल किया था। और ये मैंने ग्रीन लहसुन लिया हुआ है, और ये है 1 टमाटर काट लिया था इसे मैंने। और ये जो मसाले हैं, इनमें ये तकरीबन 1 टीस्पून लिया हुआ है मैंने सूखा धनिया, 1 टीस्पून है ये, 1/2 टीस्पून है ये चाट मसाला लिया हुआ है, 1 टीस्पून मैंने लिया था रेड चिली, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1/2 टीस्पून ली है हल्दी, और 1/2 टीस्पून जी इसमें मैं डालने लगी हूँ चिकन पाउडर। थोड़ा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। वैसे मैं इसके अंदर कुछ नहीं डाल रही, आप अगर डालना चाहें तो इसके अंदर मटर भी डाल सकते हैं, कीमा भी डाल सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल बना रही हूँ। और ये मैंने लिया हुआ है टमाटर अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और ये मैंने ली हुई है करीम। तो चलें जी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये पैन में ऑयल डाला हुआ है मैंने, और अब हम इसके अंदर डालते हैं लहसुन अदरक और टमाटर का पेस्ट। लहसुन अदरक प्याज और टमाटर का पेस्ट है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये ग्रीन लहसुन और टमाटर, क्योंकि ये जो सानिया होता है इसे अगर हम ज़्यादा डालते हैं टमाटर वगैरह तो उसके साथ ये कड़वा नहीं बनता, बहुत मज़े की इसका टेस्ट आता है। हल्का से इसे फ्राई करेंगे, फिर बाद में इसमें डालते हैं टमाटर के मसाले। ये देखिए ये मसाला हमारा फ्राई हो रहा है, और अब हम इसमें डाल देंगे ये बाकी के मसाले। अच्छी तरह से मसाले को फ्राई करेंगे। और करना अब हमने ये है कि अब इसी के अंदर ही बस मसालों के साथ हमने डाल देना इसके अंदर बॉयल किया हुआ सुहांजना, ताकि ये जो मसाला है अच्छी तरह से इसके अंदर अच्छी तरह से इसका टेस्ट आ जाए सुहांजने के अंदर। तो इसी के साथ इसमें हल्का हल्का ऑलरेडी पानी होगा मसाले के अंदर, तो इसी के अंदर हम सुहांजना डाल देते हैं और 5 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। ये देखेंगे सुहांजना भी डाल देना मैंने मसाले के साथ इसके अंदर, और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। सुहांजना डालने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, और जो टिप है वो ये है कि हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम, कि मैंने फ्रेश क्रीम ली हुई थी, और क्रीम डालने से ये फ़ायदा होता है कि इसके साथ ये कड़वा बिल्कुल नहीं बनता और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसका। अब क्रीम भी डाल देंगे और इसके ऊपर से लगा देंगे हम ढक्कन, और सिर्फ 5 मिनट बाद इसे हम फिर चेक करते हैं जी। तो हमें हो चुके हैं तकरीबन 5 मिनट, और हम चेक करते हैं हमारे सुहांजने क्या कंडीशन है। और ये देखें माशाल्लाह से ये अब घी निकला हुआ है, ये देख लें, ये समझे बस ये बन गया है। बस इसे बॉईल करना है, इसमें सारे मसाले डालें और साथ ही इसके अंदर सुहांजना डाल दें। उसका सुहांजना डालने का ना साथ ये फ़ायदा होता है कि जब ये जो मसाले वगैरह होते हैं अच्छी तरह इसके अंदर ही जज्ब हो जाते हैं। तो जी अब मैं करती हूँ, ये देखें ये तकरीबन रेडी है। इधर देखें इसका घी निकला हुआ है, पानी शानी कुछ भी इसके अंदर नहीं है, और हमें पानी डालना भी नहीं पड़ता, बस मसालों के साथ इसे डाल दें और इसके अंदर डाल दें आप थोड़ी सी क्रीम। क्रीम का ये फ़ायदा होता है कि उसके साथ इसकी ये जो कड़वाहट होती है ना ये ख़त्म हो जाती है। तो चलें जी अब मैं करती हूँ इसे प्लेट में शिफ्ट, और फिर दिखाती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें जी ये है हमारे सुहांजने की फाइनल लुक। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक करें, और जी रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। मिलते हैं एक और मज़े की रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह निगेबान।